टिकट न मिलने से खफा चल रहे पूर्व एमपी मोहिंदर सिंह केपी का बगावती नाटक आज खत्म होने जा रहा है। केपी को मनाने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद जालंधर आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक कुछ ही समय में कैप्टन मोहिंदर सिंह केपी के घर में पहुंचेंगे और फिर उनको साथ लेकर डीसी दफ्तर में चौधरी संतोख सिंह के नामजदगी पत्र दाखिल करने के लिए जाएंगे। कैप्टन के आने को लेकर सुबह से ही केपी की कोठी के बाहर सख्त सुरक्षा प्रबंध किए गए। खुद मोहिंदर सिंह केपी भी कैप्टन का इंतजार करते नजर आए। मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं और मुख्यमंत्री साहब का उन्होंने इस गल का फिक्र है कि पंजाब दे विच 13 दियां 13 सीटा जितनियां मिशन 13 है और मैं अपना पूरा सहयोग पार्टी को देंगा और 13 दियां 13 सीटा लिए असी कंपेन करके पंजाब का जो मिशन 13 का सुपना है उन्होंने असी साकार करांगे। मतलब तुसी आज तो जड़ा है संतोख सिंह चौधरी का साथ? मैं सारी पार्टी का साथ दूंगा, 13 दियां 13 सीटा पर काम करांगा। जो पिछले दिन राजगी सी वो दूर हो गई? देखो पार्टी के अंदर जो सी गलबात वो पार्टी ने पार्टी ने दस दी है, हुण पार्टी ने कहा कि तुसी पार्टी लिए काम करो, कई काम करने लिए तैयार। बता दें कि कांग्रेस ने इस बार फिर जालंधर से सांसद रहे संतोख चौधरी को टिकट दे दी, जिसके बाद मोहिंदर सिंह केपी ने बगावती सुर बुलंद कर दिए। केपी को मनाने के लिए कभी राजकुमार वेरका और कभी संतोख चौधरी खुद पहुंचे, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। इस दौरान उनके कभी अकाली दल और कभी भाजपा में शामिल होने के अनुमान भी लगाए जा रहे थे, लेकिन आज इन सभी अटकलों और केपी की नाराजगी को खत्म करते हुए कैप्टन की तरफ से इनको मनाया जा रहा है। जालंधर से सोनू महाजन, पंजाब केसरी टीवी।